हेलो फ्रेंड्स, आप हैं हमारे चैनल पाइनएप्पल स्कल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन सुपर हीरो के बारे में जो काफी ही अंडररेटेड है, बट उसके पावर्स इतनी जबरदस्त हैं कि वो थॉर, हल्क जैसे सुपर हीरोज को आसानी से हरा सकता है, यहाँ तक कि सुपरमैन को भी टक्कर दे सकता है। चल झूठा, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, लेट्स रोल द इंट्रो। हम बात कर रहे हैं जिस सुपर हीरो की, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो हल्क से भी काफी ज्यादा है, और अगर बात करें उसके हीलिंग फैक्टर की, तो उसे गोलियां लगते हैं विद इन माइक्रोसेकंड्स की जख्म भर जाते हैं, उसका घाव ठीक हो जाता है। और इसकी जो कॉम्बैट स्किल है वो ब्रूस ली के जैसे खतरनाक है, ये काफी अच्छी कुंग फू और मार्शल आर्ट्स में फाइट कर सकता है। ये जो सुपर हीरो ये चीजों को ब्लास्ट कर सकता है, ये टैंक के भी पड़कच्चे उड़ा सकता है अपने ब्लास्ट करने की पावर से। किसी भी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ना या उतरना इसके बाएं हाथ का काम है, ये काफी तेजी से सीधी दीवार पे भी चढ़ सकता है। और इनके पास एक और पावर है, ये लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। तो वो हमारा सुपर हीरो है आतंकवाद और अपराध का नाशक नागराज। नागराज की बॉडी में बसे हुए हैं लाखों सांप, जिसके वजह से नागराज को मिलती है बहुत जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ। नागराज इन नागों को अपने विल पावर से चाहे जैसा वैसा आकार देकर हथियार की तरह यूज कर सकता है। अगर इसे किसी ऊंचाई वाली जगह से कूदना हो तो यह पैराशूट की तरह इन सांपों का इस्तेमाल करके नीचे कूद सकता है। इसके अलावा नागराज के पास है इच्छाधारी शक्ति यानी शेप शिफ्टिंग, जिसके वजह से नागराज जो चाहे उस चीज में बदल सकता है। ये चाहे तो बड़ा सा ड्रैगन बन सकता है, छोटी सी चींटी बन सकता है। हालांकि इसकी ये पावर छिन गई थी एक कॉमिक्स जिसका नाम था इच्छाधारी, जिसका विलेन था सी थ्रू। उसने इसकी शक्ति चुरा ली, जिसकी वजह से नागराज के पास अब सिर्फ इतनी ही शक्ति बची है कि या तो वो सांप बन सके या फिर इनविजिबल हो सके। जी हाँ, ये गायब भी हो सकता है। नागराज अपने मुंह से जहरीली फुंकार फेंकता है, जिसे वो किसी का भी जान ले सकता है या बेहोश कर सकता है। और हाँ, इसके काटने से कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी चीज का बना हो, मोम की तरफ बिल्कुल पिघल जाता है। इसके अलावा नागराज एक ऐसा सुपर हीरो जो अपने साइड किक्स को अपने बॉडी के अंदर रखता है। जी हाँ, इसके कई सारे साइड किक्स वो कि इसके लिए दोस्त है, जैसे कि सोडांगी, शीतनाग, नागू, प्रेतनाग, इसके अलावा और कई सारे जो इसके शरीर के अंदर ही रहते हैं और जरूरत होने पे शरीर से बाहर आके नागराज की मदद करते हैं। और नागराज के पास ये जो शक्तियां हैं, इसके वजह से वो आराम से थोर और हल्क को हरा सकता है। अब आप सोच रहे हो कि थोर को कैसे, वो तो ओडीन का बेटा है। तो भैया, अपने नागराज भी किसी से कम नहीं है। नागराज के शरीर में देव कालजय का अंश है, देव कालजय जो खुद ही बहुत बड़े देव हैं, उनका अंश नागराज के अंदर है, तो नागराज भी कम पावरफुल नहीं है। नागराज कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे 80s, 90s और अर्ली 2000 के जो बच्चे हैं वो इसे पर्दे पे देखना चाहते हैं, या फिर टीवी पे हो, चाहे वेब सीरीज के रूप में हो या फिर बड़े पर्दे पे। हालांकि कुछ साल पहले राज कॉमिक्स ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और उन्होंने कहा था कि हम नागराज की एनिमेटेड सीरीज लाएंगे, और उन्होंने एक ट्रेलर भी लॉन्च किया था जो काफी ही प्रॉमिसिंग था, वो देख के दिल खुश हो गया था। मगर अभी तक उस एनिमेटेड सीरीज का कोई भी अता पता नहीं कि वो कब आएगी, नहीं आएगी, या पता नहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ भी चुकी। राज कॉमिक्स ने नागराज की एक टीवी सीरियल भी प्रोड्यूस की थी, जिसमें नागराज का रोल निभाने वाले अभिनेता थे राज प्रेमी, जो कि जय हनुमान सीरियल में हनुमान का भी रोल उन्होंने किया था। वो जय हनुमान जो 1997 से 2000 के बीच में अपने टीवी चैनल्स पर आया करता था। नागराज टीवी सीरियल को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, जिसका मेन वजह था उसका पुअर एक्टिंग, लो बजट और ही डल फाइट सीक्वेंस, जिसकी वजह से ये टीवी सीरियल ज्यादा सफल नहीं हो पाया, या कहूँ सफल हो ही नहीं पाया। 90 के दशक में एक टीवी एड शूट किया गया था, जिसमें नागराज के रोल में हमारे सोनू सूद भैया, जी हाँ, हमारे सोनू सूद नजर आए थे, और सोनू सूद नागराज के रोल में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अगर टीवी सीरियल में सोनू सूद को राज प्रेमी जी के जगह कास्ट किया जाता तो शायद वो टीवी सीरियल काफी अच्छी हो सकती थी। और आजकल एक ये खबर सुनने को आ रही है कि धर्मा प्रोडक्शन नागराज पे एक मूवी बनाने वाला है, जिसमें नागराज के रोल में होंगे रणवीर सिंह। और पता नहीं ये मूवी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ साल पहले अनुराग कश्यप ने भी कहा था कि वो डोगा पे मूवी बनाएंगे, जिसके लिए कुणाल कपूर ने भले काफी अच्छी खासी बॉडी भी बना ली, लेकिन इस मूवी का कोई अता पता नहीं चला। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस बारे में होगा कि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसे डीसी मार्वल के कैरेक्टर्स हमारे इंडियन कॉमिक्स में कब कब यूज किए गए हैं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर लेते हैं विदा आज के वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।